सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो यार, होप कर रहा हूँ कि अच्छे होगे और मस्त पढ़ाई वढ़ाई अपना कर रहे होगे। तो यार, आज जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि चैप्टर कंप्लीट जब हो जाएगा हमारा, उसके बाद से हम बात करेंगे उस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक को लेकर के। तो आ गए हैं इस टॉपिक को लेकर के। और जो बच्चे नहीं भी देखे हैं क्रैश कोर्स, जो मैंने 3 वीडियो डाली थी सॉल्यूशन की, अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये वीडियो अगर आप सही से देख लेते हो, समझ जाते हो, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक दो बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट थी, जैसे अंकित सिंह, काफ़ी बेचारा मतलब काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है अबाउट स्टार्टिंग फिजिक्स। और शुभम, रुद्रांश, आयुष, आशुतोष, तो इन लोगों को मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी 1-2 दिन में, ठीक। और वन शॉट इसकी लाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसकी भी बात करेंगे। तो यार, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक। तो पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, तो जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म एमसीक्यूज में और ऑब्जेक्टिव में आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना दीज क्वेश्चंस, तो ये आप क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो। बस दो मतलब कितना 6-7 फॉर्मूला को ध्यान में रखते हो और अगर प्रॉपरली आपको आता है तो आप आराम से इसका क्वेश्चन मतलब कर सकते हो। और बिहार बोर्ड पूछता है अपने ऑब्जेक्टिव सेशन में, तो यार ध्यान रहे। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक, जो भी हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारी, जो भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, लेक्चर नंबर 3 सॉल्यूशंस का, मैंने वहाँ पे सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे से, ठीक, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है हेनरी लॉ, रॉल्ट्स लॉ, और एक और अगर टॉपिक यहाँ पे जोड़ते हो तो वो हो सकता है आइडियल एंड नॉन आइडियल, जो कि रॉल्ट्स लॉ के अंदर अंतर्गत ही आती है। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस पूछ सकता है। और एक और टॉपिक है, पता नहीं पूछ भी सकता है कि नहीं भी पूछ सकता है, कि काफी पूछा ही हुआ नहीं अभी तक, है वो एजियोट्रॉफ। एजियोट्रॉफ तो वो भी देख लेना, ठीक। वैसे उसका मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा तो टेंशन की बात है नहीं। तो इतनी टॉपिक है, देख लो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए। और अपार्ट फ्रॉम डैट मुझे नहीं लगता है कि कुछ, हाँ, ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर पक से आएंगे, पक्का पक्का, ज्यादा से ज्यादा जाएगा केमिकल काइनेटिक्स बस। तो ये ध्यान में रहे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टॉपिक पे ध्यान देना है, कौन कौन टॉपिक में भी किस टॉपिक में ध्यान देना है, ठीक, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस पर ध्यान आपको पूरा देना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, वो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, ठीक। जैसे कि आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है कोई, ठीक है, नहीं बिहार बोर्ड का, या 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी कंसंट्रेशन वाली वीडियो है, कंसंट्रेशन, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैंने करवाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, वो है स्टेट हेनरी लॉ और मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हेनरी लॉ पूछेगा, साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप प्लीज इसको कर लीजिएगा। ओके, और हेनरी लॉ मैंने करवाया है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो जाके वीडियो में देख सकते हो। ये वीडियो मैं स्पेशली एक शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूँ और इसी में सारी चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, टॉपिक्स भी, क्वेश्चंस भी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक, और प्रॉब्लम आती भी है तो इसके नोट्स आप लोग को अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड पूरा करके आराम से पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया है,
बोलो, नहीं करवाया वो तो बताना। फ्रॉम रोल्स लॉ हाउ इट इज साइन ऑफ डेल सॉल्यूशन एनर्जी रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ये पूरा मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है लगभग किस वीडियो में, आई थिंक सेकेंड वीडियो में पूरी चीज मैंने एक्सप्लेन की है पूरा खुल के। तो मैं एक्सप्लेन करके आपका फिर से टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूँ, ठीक। एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन आपको आ सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। ओके चलिए, एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है डिफाइन द टर्म सोलिबिलिटी। ओके, तो आप आराम से लिख सकते हो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड इट्स सोलिबिलिटी। आसान सा डेफिनेशन है, से कोई टेंशन की बात है नहीं, तो ये आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। ऑब्वियसली इंक्रीज होती है, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी जो गैस की होती है आपके सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कोई बोलने वाली बात है नहीं। चलिए, स्टेट हेनरी लॉ, हेनरी लॉ अभी मैंने बताया क्या होता है। हेनरी लॉ स्टेट दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, तो ये आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। इसके बाद से भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कॉमेंट में, कोई भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज है आप प्लीज डाल के चले जाओ, ठीक, तो प्रॉब्लम होगी नहीं। रोल्स लॉ स्टेट दैट द व्हाट इज सॉरी मतलब क्वेश्चन पढ़ना भूल गया, स्टेट्स रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ स्टेट दैट फॉर एन सॉल्यूशन फॉर वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बताइए बताइए, नहीं पढ़ाया होगा आपको मोल रोल्स लॉ तो बताइएगा, है ना। पूरा खुल के एक्सप्लेन किया है जो मैं, हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रोबेबली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो रहा कल से, उसी के साथ फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स चाह रहा हूँ कि स्टार्ट हो जाए। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर डिपेंड्स। बताइए कौन कौन फैक्टर्स हैं, बताइए 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 बताइए, खुद बताइए। इतना आसान क्वेश्चन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वो पूछे हुए हैं या क्वेश्चन बैंक से लाए हुए हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में। ओके, तो आप मेरे ऊपर पूरा बिलीव कर सकते हो, ठीक, मेरे एक्सपीरियंस पर बिलीव कर सकते हो। और जिस दिन पेपर दे करके आओगे उस दिन मैसेज करना या फोन कर लेना कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया था। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट गेट्स लोअर्ड, क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट गेट लोअर कर दिया गया, वेपर प्रेशर व्हेन ए नॉन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। व्हाई यार, इतना आसान क्वेश्चन बताओ। आपको पता है कि कोई भी नॉन वोलेटाइल अगर आप डालते हो तो नॉन वोलेटाइल का क्या काम क्या होता है कि वो वेपर प्रेशर नहीं बना ना बनाता है ना बनाने देंगे, हिंड्रेंस पैदा करता है। जब हिंड्रेंस बढ़ता है तो उसके लिए क्या है, आपको ज्यादा वेपर प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, काफी चीज है। तो यहाँ बस इतनी चीज लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर आप आंसर लिख सकते हो, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द सरफेस एरिया ऑफ एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर गेट लोअर्ड। ओके okay. चलो कोई दिक्कत, आगे चला जाए। चलिए चलते हैं, नेम टू वेज बाय विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कैन बी लोअर्ड। बताइए, सब टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो बनाने की क्षमता है वो क्या होगी, घट जाएगी, बात खत्म। डिफाइंड सॉल्यूशन बताइए, इसका भी आंसर बताने वाली बात है, बता दो इसका देख लेना यार, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है बताओ। जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलता है और हाइड्रोजनस मिक्सचर तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसका लिखना चाहिए था मुझे, बताओ। डिफाइन द टर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करती है बताइए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ना ही कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद से वॉट आर द पॉसिबल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन आइडियल बिहेवियर। देखो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाला जो टॉपिक है रोल्स लॉ की जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सेकेंड लेक्चर में करवाई, अगर टाइम है आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो जाके देखो, वहां से काफी कुछ आप गेन कर लोगे। पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन शो करता है, तो इथेनॉल ने एसीटोनॉल, ठीक है। उसके बाद यही नहीं, इसके साथ काफी चीज मैंने इसकी करवाई है। ओके, नेगेटिव डेविएशन देख सकते हो, है ना, ये देख लो एग्जाम्पल से, बेसिकली दोनों के एग्जाम्पल से, तो ये याद करके जाना ही जाना, ठीक। तो काफी, यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
उसके बाद से हाउ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉलिड रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, तो आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, वेयर सी इज ए कंसंट्रेशन, आर इज ए आइडियल गैस कॉन्स्टेंट और टी इज टेम्परेचर, तो आपको पता होगा। गिव द क्राइटेरिया ऑफ आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं बुआ बताइए। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कोई, ठीक है नहीं, आइडियल और नॉन आइडियल जरूर पढ़ के जाइएगा। तो क्या होता है बताइए, डेऑब्रे रोल्स लॉ, एच मिक्सिंग से क्या होती है जीरो होती है, वॉल्यूम मिक्सिंग की जीरो होती है, द वेरियस इंटरमोलिकुलर फोर्स आइडियल का, जो भी कितने भी उसमें गैस लाओ उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, हाउ आर द वेरियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉडिफाइड आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ वन्ट ऑफ फैक्टर। देखिए आपके 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, 4 फॉर्मूलाज होते हैं, बट अगर वन्ट ऑफ फैक्टर का आई का आगमन हो जाता है तो चारों फॉर्मूला में स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है, कि वो स्लाइटली डिफरेंट क्या है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आप नॉर्मल देखते हो तो नॉर्मल क्या होता है, डेल टी पी इज इक्वल टू के बी एम होता है, वेयर बी इज ए मोलर एलिवेशन, ठीक, इसका क्या बोलते हैं मोलर, क्या बोलते हैं डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इन द केस ऑफ वन हाफ फैक्टर, वैसे भी वन हाफ फैक्टर जहां जहां लगेगा आई आई को ऐड करके जाइएगा और आपका वन हाफ फैक्टर तैयार हो जाएगा। ओके बताइए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द टर्म एजियोट्रॉफ, एजियोट्रॉफ क्या होता है, तो द सॉल्यूशन एट ए सर्टन कंसंट्रेशन, ये मैंने नहीं पढ़ाया था अपने लेक्चर्स में, नहीं पढ़ाया था क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक। When a solution of certain concentration, when it continues to boil at the constant temperature without change in its composition in solution in vapor phase is called azeotrope. तो basically क्या होता है, ये basically वो certain concentration होती है जब आप boil करना start करते हो at constant temperature, तो change in its composition, उसके जो composition में जो change होते हैं वो solution in solution में in vapor phase, उसको क्या बोलते हैं, azeotrope बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, azeotrope बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक, ये तो मैंने करवा दिए जो कि काफी बार पूछे गए हैं, ये मैंने क्वेश्चंस करवा दिए सारे के सारे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दी, ठीक। अगर उसके पार्ट भी अगर कुछ आप जानते हो, मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक, कोलिगेटिव चार्ज प्रॉपर्टीज है, उसके बाद से रोल्स लॉ, रोल्स लॉ में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद से हेनरी लॉ, उसके बाद से पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन इन, तो ये मिला जुला के यही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत दिमाग खराब हो गया तो एजियोट्रॉफ पूछ लेगा, है ना, उसके बाद से कुछ पूछेगा नहीं। और अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है ना, छोड़ के जाना नहीं वीडियो, अभी काफी कुछ बताऊंगा अभी, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमेरिकल, आप प्लीज कर लेना, ठीक, अगर चाहते हो कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊँ तो कॉमेंट में यस लिख देना, मैं करवा दूंगा। अरे यार बस आपको यस लिखना है, सब करवा दूंगा, ठीक, तो यार टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ करवा दूंगा। और ग्राफ देख लेना कुछ, एक आधा आधा ग्राफ है पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन में, आपको पता होगा, तो वो देख लेना, और आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ होता है वो देख लेना, ओके। और वीडियोज में करवा चुका हूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे रैपिड में आपको सब कुछ बताने वाला, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक, तो कल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मिल जाएगा ये वाला वीडियोज। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोज मैं और बनाऊँ, इस तरह की वीडियोज और मैं बनाऊँ, तो प्लीज यस प्लीज लिखिएगा कुछ भी इमोजी लगा के, ठीक, यस, तो मैं कुछ समझ जाऊंगा कि आप इस तरह के वीडियोज चाहते हो, ठीक, ये आपके लिए काफी अच्छी है, ठीक। और इसका नोट्स आपको डायरेक्ट टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहां भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वहां आप सब कुछ कर सकते हो, ओके। तो एक बार मैं पूरा जो मैंने आज करवाया वो मैं आपको बता दूं, कि पहले तो आप कर लेना अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर, ठीक, और नॉर्मल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जैसे हेटरोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसके बाद से बाइनरी और टर्शियरी सॉल्यूशन होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे, ये देख लीजिएगा, और उसके बाद से जो जितनी भी हमारी जो लॉज है वो देख लीजिएगा, ग्राफ देख लीजिएगा, एजियोट्रॉफ देख लीजिएगा, और हाँ, हेनरी लॉ के स्टेटमेंट, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन प्लीज प्लीज करके जाइएगा, ओके। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, प्लीज 1K करवा दो प्लीज, ओके। और जिस चीज़ की भी वीडियो चाहिए, अगर आप इस टाइप की वीडियो, ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप की पहली बार वीडियो बनाया इस टाइप की, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, ये सब बनाइए, और जिससे आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता चल जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए, ओके। तो चलिए यार पढ़ते रहिए, और ओके बाय, और प्लीज़ यार शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, आप लोग करते नहीं हो, ठीक। और आप चाहते हो कि क्रैश कोर्स कंटिन्यू रहे तो वो भी बता दीजिएगा, कि कंटिन्यू रखो क्रैश कोर्स को, कि इस टाइप की वीडियोस बनाओ, बताओ
दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक, इस टाइप की वीडियो बना दो, फिजिक्स केमिस्ट्री की या क्रैश कोर्स कंटिन्यू, दोनों चीज करवा सकते हो आप हमसे। तो चलिए, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, चलिए बाय।